हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर साइंटिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है। तो देखिए, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि करंट लगता कैसे है। तो देखिए, करंट लगने के लिए सिंपल एक शब्द में यदि मैं कहूँ तो एक सर्किट कंप्लीट होना, तब सर्किट कंप्लीट हुआ तो हमको करंट लगेगा। अब ये सर्किट कंप्लीट कैसे होता है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक इंसान है जिसने किसी तार को या किसी इलेक्ट्रिक सॉकेट को हाथ लगाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो करंट होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एक इजी पाथ को फॉलो करते हैं। तो उससे होगा क्या, वो जब तार से हाथ लगाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ह्यूमन बॉडी यानी उस इंसान की बॉडी से होते हुए अर्थ में चले जाएंगे, जिसकी वजह से उसको करंट महसूस होगा। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, फेस था ऊपर जिससे हमने हाथ लगाया, वो फेस था, और नीचे हम यहाँ पर खड़े थे, वो हमारा क्या था, अर्थ था। अर्थ क्या करता है, एक यूनिवर्सल अर्थिंग का कार्य करता है। जैसे ऑब्वियसली यदि हम जो अर्थिंग भी लेते हैं, जैसे कि हम जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता है वहां से हम जो अर्थिंग को लेके आते हैं वो भी ग्राउंड से ही होते हुए आता है। तो उसमें होता क्या है, एक सर्किट का कंप्लीट हो जाती है। अब सर्किट कंप्लीट कब होती है, जब प्लस और माइनस यानी कि एक अर्थिंग और एक फेस जब दोनों आपस में मिलेंगे तो हमारा क्या, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब उन दोनों अर्थिंग और फेस के बीच में क्या आ गया, कोई भी एक इंसान आ गया जिससे क्या, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हुए उसकी बॉडी से और वो ग्राउंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसको करंट लगता है। अब आते हैं हम पक्षियों के केस पर। तो देखो, पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है, पक्षियों को करंट इस वजह से ही नहीं लगता है क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो सिर्फ एक तार पर बैठते हैं और उनके साथ सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता, यानी कि उनको अर्थिंग नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनको करंट नहीं लगता है। अब यदि ये पक्षी कहीं ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाए जहां पर दो तार पास पास में हो और उनके बीच में बैठ जाएंगे तो उनको करंट लगेगा, क्योंकि वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होना चालू हो जाएंगे उस पक्षी की बॉडी के द्वारा, तो जिसकी वजह से क्या, उसको करंट फील होगा। इसी तरीके से यदि जो पक्षी हैं वो यदि हमारे जो टॉप लेवल पर, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो इंसुलेटर लगा होता है उसके पास चले जाएं और नीचे जो एंगल लगा होता है उससे टच हो जाएंगे तो उनको करंट लगेगा और उनकी एज वेल एज डेड हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि करंट एक्चुअल में लगता कैसे है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मिस्टर सांटिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।